बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्विज नंबर 3 शेयर करूंगी। ये टोटल आपके 15 मार्क्स का क्विज है। याद रहे कि अगर इसमें आपके मीन्स 15 के 15 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान क्विजेज आ रहे हैं आजकल, तो 7.5 नंबर आपके पेपर में मीन्स के इसकी 50% वेटेज है आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपने इस क्विज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पहले तैयारी करके कर लें तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं तो ये जो इस बार का क्विज है, ये ऑटोमेटिकली बहुत ही आसान आ रहा है, पास्ट फाइल्स में से आ रहा है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पास्ट फाइल्स को ही अच्छे तरीके से देख लें फाइनल टर्म की या क्विज 3 के हवाले से, तो ये उनके बीच में से ही आ रहा है। और एक बात और कि क्विज 4 नहीं आएगा। पहले आपको पता था क्विज में कि 10 क्वेश्चन आते थे, इस बार क्विज 3 में 15 क्वेश्चंस आए हैं और क्विज 4 नहीं होगा। इसी वजह से आपको इसी को ही बेस्ट तरीके से तैयार करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द पर्पस ऑफ यूजिंग DDL कमांड। तो इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास, क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द डेटाबेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकोरेक्ट अबाउट द एल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो इसमें भी आपके थर्ड वाला ऑप्शन है, कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द टाइप और साइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम। और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इसमें से कोई भी गलत नहीं होगा। जहाँ पे मुझे लगा तो मैं आपको वो भी साथ साथ बता दूंगी, लेकिन मैं आपको मिस गाइड नहीं करूँगी। बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके बीच में हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन है, बोथ सेलेक्ट एंड फ्रॉम, ये दोनों आ जाएंगे इसके पार्ट्स में आ जाएंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के। और ये भी आपका पास्ट फाइल्स के बीच में से ही आया है, बहुत आसान क्विजेज आ रहे हैं। और आप ये रट्टा ना लगाएगा कि सेकंड वाला ऑप्शन है ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ऑप्शंस आगे पीछे हो जाते हैं। अगर आप खुद भी अपना क्विज कभी कर रहे हो ना, जब सिग्नल ना आ रहे हो तो आप ऊपर करेंगे ना जब उसको स्क्रॉल, तो तब देखिएगा दोबारा से क्विज स्टार्ट हो जाएगा, वही वाला क्वेश्चन अगेन आ जाएगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है और इसके जो चूजेज होंगे वो आगे से आगे पीछे हो जाएंगे। तो आपने अच्छे से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर नीचे से तब लगाना है इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3NP रिलेशन इज़ कन्वर्टेड टू BCNF बाय। तो इसमें हमारे पास ये सेकेंड वाला ऑप्शन है, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ओवरलैपिंग कंपोजिट कीज आर पुट इन अ सेपरेट रिलेशन, ये वाला आएगा इसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडेक्सेस आर बिल्ट ऑन डैश टू इम्प्रूव द क्यूरी परफॉर्मेंस। तो इसके बीच में हमारे पास ये थर्ड वाला आएगा, कॉलम्स आएगा बीच में, इंडेक्सेस आर बिल्ट ऑन कॉलम्स टू इम्प्रूव द क्यूरी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड यूजर मस्ट नॉट सर्च फॉर द रिक्वायर्ड बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट। इसमें हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड डेटा टाइप इन SQL। तो देखें इसके में कंप्लेंट है, मनी है, टेक्स्ट है, सिमिलेंट है, इसको आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। मुझे मनी लगा है तो मैंने मनी वैलिड डेटा टाइप इसकी मैंने इसको कर दिया, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी सारे 100% करेक्ट है, इस पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, तब मैं कह रही हूँ कि इसे अपने ओन पर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रांट क्वाइंट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जहाँ पर भी ग्रांट का नाम आ जाएगा वहाँ पे आप आंखें बंद करके ना DCL इसको लगा सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। DCL जहाँ पे कमांड आएगा ना, ग्रांट कमांड, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास MCQs आए ना, तो आपने DCL लगा देना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रोग्राम रिटन टू परफॉर्म डिफरेंट रिक्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द यूजर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड। तो इसमें भी हमारे पास ये थर्ड वाला ऑप्शन है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट कंसीडर द टू रिलेशन, सप्लायर है आगे थोड़ा सा दो लाइंस में प्रोग्राम लिखा हुआ है, और आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अ लिस्ट ऑफ सप्लायर नेम्स सप्लाइंग द आइटम विद द आइटम नंबर 5555। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट 5 नेम फ्रॉम सप्लायर आइटम नंबर 555। मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि पहले आप नेट से इसकी जो यूट्यूब से है ना,
दो तीन वीडियोस ले लें, फिर अपने क्विज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आएंगे। और आपको पता है कि आपको बहुत अच्छा इन्होंने एडवांटेज दिया है कि सीएस के सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए कि क्विज 3 आ रहा है, क्विज 4 नहीं आएगा। और जो इसके 15 नंबर अगर आप पूरे ले लेते हैं तो 7.5 नंबर आपके पेपर में लग जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। फाइल्स को देखें, फाइल्स के बीच में से ही रिपीट हो रहा है, बहुत कम कोई आगे पीछे से आ रहा है। तो मैं अगर आप फाइल्स नहीं देख सकते क्योंकि हर एक के पास ये नहीं होता, तो यूट्यूब पे बेतहाशा CS 403 की वीडियोज़ पड़ी हैं इस क्विज़ की, तो आप उनको लें। देखें अगर आप दो क्विज़ की वीडियोज़ लेते हैं तो आपके 30 MCQs हो जाएंगे। तो क्या 30 में से आपके 6 MCQs भी नहीं रिपीट होंगे जो आप क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे? तो 2-4 वीडियोज़ तब अपने क्विज को अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वी शुड नॉट कम्प्रोमाइज डैश और एफिशिएंसी। तो इसमें ही आपके पास आएगा सेकंड वाला ऑप्शन, प्राइवेसी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताती जाऊं तो इसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें ये ऊपर लिखा हुआ था, वी शुड नॉट कम्प्रोमाइज डैश अवर एफिशिएंसी। तो उसके बीच में क्यूरी रिस्पांस टाइम भी था, कंसिस्टेंसी भी था, लेकिन प्राइवेसी और एक्यूरेसी नहीं था। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो वहाँ पर मुझे प्राइवेसी मिल गया था। और अगर आपके पास ऑल द अबव ऑप्शन आए तो वो भी, क्योंकि एक तो मैंने MCQs इसमें देखा है, तो आपने ऑल द अबव ऑप्शन को करेक्ट कर देना है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ट्रांकेट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ डिलीट कमांड। तो देखें, जहाँ पे आपको मैंने कहा था ग्रांट आएगा तो DCL को आपने आंखें बंद करके करेक्ट कर देना है। जहाँ पे आपके पास ट्रांकेट आएगा ना, वहाँ पे इसका अल्टरनेटिव ना डिलीट कमांड ही है, तो ये ट्रू होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्लासेस यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर बाय, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, CS 403 के क्विज 3 का 15 क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव यूजर इंटरफेस मिनिमाइजेस द डैश यूजर्स एक्वायर टू लर्न एंड इंप्लीमेंट द सिस्टम। तो इसके बीच में हमारे पास ये सेकंड वाला है, टाइम वाला 100% करेक्ट है ये वाला भी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी चीज़ में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा पेपर के हवाले से। इंशाल्लाह फाइनल टर्म के पेपर्स भी मैं आपके साथ इसके शेयर करूँगी। और बेस्ट ऑफ लक, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।